तो आज होने वाला है सारीज हॉल, शॉपिंग हॉल ज्यादा नहीं है, जस्ट 4 सारी, तो मिनी शॉपिंग हॉल ही होगा जो मैंने ली है मीशो और फ्लिपकार्ट से, और बहुत ही सही है, अफोर्डेबल है, किसी भी एज ग्रुप का कहीं पे भी कैसे भी पहन सकते हो, बहुत ही सस्ती है, मतलब अफोर्डेबल है। और साड़ी का जो लुक होता है वो हमेशा ब्लाउज से आता है, मैंने हमेशा मेंशन किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा ब्लाउज उनका बनवा पाते हो, कितना डिसेंट बनवा पाते हो, तो एक अलग ही लुक होता है। बाकी साड़ी यार ऐसी चीज़ है कि आई थिंक मेरे ख्याल से रियली ही कोई होगा जो अच्छा नहीं लगता होगा, वरना साड़ी तो ये है कि कोई भी पहन ले सबके ऊपर सूट करती है, बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट है। तो मन करता है कि कोई भी ओकेजन हो साड़ी पहन लूँ, सूट और जीन्स, अभी सब ऐसा लगता है कि मतलब कोई स्पेशल सा ओकेजन होना, लाइक दिवाली हो गया, कुछ हो गया, तो साड़ी डालो तो एक अलग साड़ी है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेट नहीं करती जल्दी से, ठीक है? आपको क्या करना है, जल्दी से जो घंटी है ना टिंग कर दो और सब्सक्रिप्शन को बटन को टच कर दो, मतलब सब्सक्राइब कर लो और लाइक नहीं कर देना। सो लेट्स गेट, फर्स्ट वन है वो है ये यार, पता है देखो मैंने इसकी फोल्ड एक्चुअली कहना ना सारी यार इसकी फोल्ड मतलब तय तो खोल लो, उसके बाद ना उसको दोबारा से फोल्ड करने में मुझे बहुत आफत आती है, ठीक से हो ही नहीं पाती है, तो ये इसलिए ऐसी हो गई है। ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, पहले बहुत चली थी इस टाइप की साड़ीज फोल्का वाली, ये रेड एंड ब्लैक में है, और उसका जो ब्लाउज है ना वो है ये हाफ हाफ में है, ठीक है? हाफ आपका ब्लैक में आएगा, हाफ रेड में आएगा, ऐसे करके है ये। और अभी एक्चुअली रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इसको क्रॉप टॉप के साथ क्लब करके आपको मैं दिखा दूंगी कि कैसा लुक आएगा। और देखो साड़ी कितनी भी सस्ती हो लेकिन जो ब्लाउजेज है ना उनके जो स्टिचिंग के रेट जो है वो सबको पता ही होगा, सातवें आसमान पर है यार, तो इसीलिए थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन क्या करें कि अब साड़ी है तो ब्लाउज तो ऑब्वियसली स्टिच कराना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हम लोगों के पास में, तो देख लेना। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको क्रॉप टॉप के साथ में आपको सारी साड़ी का लुक दिखा दूंगी कैसा आ रहा है। और ब्लाउज है इसका ये वाला, इसके साथ ना स्लीवलेस ब्लाउज, और हाँ ये है इसका ब्लाउज, छोटे छोटे पोलकाज है इसमें, ये वाला इसका ब्लाउज होगा, ठीक है? और साड़ी की लेंथ अच्छी खासी है, बहुत ही सही है इसकी लेंथ, साड़ी की साड़ी अच्छी खासी लंबी है, मतलब आई थिंक प्रॉपर लेंथ है सवा पाँच जो होता है हमारा, और प्लीट्स अच्छे से आ गई है, जब लेंथ होती है ना प्लीट्स अच्छे से आ जाती है तो वो अच्छा लग रहा है, हाफ हाफ लुक मतलब इसका आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, अच्छी सी लग रही है, रेट्रो लुक आ रहा है इसमें। और अगर ब्लाउज भी आप कुछ उसी टाइप के बनाओ ना, कुछ रेट्रो टाइप में, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये है इसका स्टफ है जो वो है यस जॉर्जेट, तो ये ड्रैप करने में बहुत इजी है, बहुत ही इजीली ड्रैप हो रही है आपको, ज़्यादा इसको मतलब प्लीट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और खुलने का चक्कर नहीं है, एक बार सेट करोगे तो आराम से इजीली सेट हो जाएगी, और कैरी भी इजीली कर सकते हो, हैवी तो आपको लग ही रहा होगा, बिल्कुल है ही नहीं यार, बहुत लाइट है। और ये पता कितने की है, देखो डिस्प्ले हो रहा है, कितने की है, बहुत ही सही रेट्स में मिल गई है, ऑलमोस्ट जितनी भी साड़ी दिखाने वाली हूँ सारी की सारी 200 to 400 के अंडर में ही है, इससे बाहर कोई नहीं। और पहले अब अभी सच में अब मुझे लगता है कि साड़ीज काफ़ी सस्ती हो गई है, पहले मैंने कभी भी इतनी सस्ती साड़ीज कहाँ होती थी, शायद कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया शायद ना, तो इसलिए हाँ हमारा तो फायदा ही हो रहा है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे, एक सेकंड में ये बात होती, काफ़ी सबसे महंगी साड़ी है ये मेरे इस वाले हॉल की, अभी काफ़ी महंगी बात है। नेक की साड़ी ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो थान होता है ना, जो आई थिंक मेरे ख्याल से जो रोल होता है कपड़े का, उसमें से कट करके दिया हुआ है, लेंथ अच्छी खास है, प्रॉपर सिक्स है, और उसका जो ब्लाउज है ना वो भी इसी में से ही है, ये है इसका स्टफ ऐसा करके, डार्क शेड में ना इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा था इसका ना जो नेटवर्क है, इसमें लाइट शेड में अच्छे से विजिबल हो रहा है। और पता है ये कितने का है यार, ओनली 250, इतना बड़ा कपड़ा। और एक्चुअली पता है क्या था, भाभी लखनऊ मतलब भाभी जो अपने घर गए थे लखनऊ, उन्होंने वहाँ से, लखनऊ का मार्केट सबको पता होगा कितना फेमस है, उन्होंने वहाँ से इस स्टफ में लिया था नेट में साड़ी एक, और वो उनको 650 की पड़ी थी मार्केट में, और जो मुझे मीशो पे दिखा 250 में इतना लंबा कपड़ा, मतलब कि इतना लंबा साड़ी, तो बहुत ही मुझे तो सही लगा। और ये साड़ी आप इसको ना अगर आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो उसका, अगर आप चाहते हो कुछ लहंगा बनाना या कुछ सलवार सूट जो भी आपका मन कर रहा हो कुछ और डिज़ाइनर, तो आप उसको ऐसा कपड़ा भी मतलब यूज़ करके कुछ भी कुछ ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। आपको मेरे ख्याल से वी नेक बहुत अच्छा लगेगा, मतलब प्रॉपर अस्तर हो, ऑब्वियसली नेट अस्तर लाइनिंग तो होगी, वी नेक हो और आगे से बटन टाइप में हो, वो ओपनेबल नहीं, जो फिक्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको,
जो मड़े हुए होते हैं ना, प्रॉपर रैप्ड होते हैं क्लोथ में, उस टाइप के कुछ बटन्स हो तो वो आई थिंक बहुत डिसेंट लुक आएगा स्लीवलेस हो. अगर वो स्लीवलेस नहीं पहनते तो फुल स्लीव्स बना सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा. आई थिंक वी नेक ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा इस वाले से, बहुत ही डिसेंट लुक आएगा. कलर बहुत प्यारा है, मैं तो उसको ऐसा साड़ी ही यूज़ करने वाली हूँ. बहुत ही प्यारी है ये, आई थिंक जस्ट 250 डिस्प्ले हो रहा होगा आपको. सबके रेट्स बहुत ही सही है. इन सबके कोड्स होते हैं मीशो में, मैं सबके कोड्स शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हो. और जो भी मैं इनके साथ अपनी क्रॉप टॉप क्लब करने वाली हूँ साड़ीज के साथ में, मैं उनके भी कोड शेयर कर दूँगी. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना, तो मैं उनके भी कोड शेयर कर दूँगी. फिलहाल मैं सब साड़ीज के तो मैं डेफिनेटली सब करने वाली हूँ, उनके ढूंढने पड़ेंगे ना, तो उसमें ऑन डिमांड ही शेयर करूँगी, ठीक है. तो अभी चलते हैं आपसे नेक्स्ट वन. थर्ड है ये वाला प्रिंट, या ये वाला कॉटन का है ये साड़ी. और पता बहुत बार हुआ था कि मैंने स्क्रॉल डाउन किया है कि चलो छोड़ो मुझे नहीं लेना है, मैं क्या करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये मेरे सामने आ रहा था लास्ट वन मंथ से. मैं कुछ भी देखती थी अपने आप ही एकदम से आ जाता था. फिर मैंने कहा यार इसको आना है मेरे पास, मैंने फाइनली इसको बाय कर लिया है. इसका इसमें कलर्स बहुत सारे थे, बहुत ही सारे कलर्स हैं, ब्लू भी है, आई थिंक कुछ लाइट शेड्स भी हैं इसमें. लेकिन यार मुझे ये वाला प्रिंट, मतलब ब्लैक के साथ जो ये मल्टी कलर कॉम्बिनेशन है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लुक लगा इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है. पहनने के बाद भी बहुत ही डिसेंट सा लग रहा है. आप ब्लाउज वही मैंने कहा कि आपका अपने हिसाब से देखना जो भी आपको करना हो. और इसका जो ये ब्लाउज इसके साथ जो दिया हुआ है वो है ये वाला, ठीक है. ये है इसका ब्लाउज. आप ये इसका लेंथ कोई जो होता है आई थिंक 80 सेंटीमीटर उसी के अराउंड है. ये स्टफ इसका कॉटन है बताइए, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो भैया मैंने ले लिया है ये. और बहुत ही अफोर्डेबल, ये भी आई थिंक 300 समथिंग की है ये साड़ी भी, 300 समथिंग की है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है यार. इस साड़ी में आई थिंक बैक दिखा दिया मैंने, ये ब्राइट से शेड्स यहाँ से दिख रहे होंगे. बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है ये फ्लावर प्रिंट ना, सीरियसली मतलब बार बार मैंने आपके सामने ये आ रहा था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने फाइनली ले लिया है. आई थिंक बनने के बाद जो पूरा रेडी हो जाएगा ये साड़ी, बहुत ही डिसेंट लुक देने वाला है. और इसके साथ अगर आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डालोगे और बैंगल्स वगैरह, वो लाला मतलब मस्त लगने वाले हो, पटका पटोला लगने वाले हो, बहुत ही सही साड़ी है. महंगी साड़ी भी मिली, सबसे महंगी साड़ी इस शॉपिंग मॉल की, ये है 405 और समथिंग रिश्ते हो रहा है ऐसे कुछ था. बहुत ही प्यारी है और ये शिफॉन मैंशन था, बट मुझे कुछ शिफॉन ब्लैंड लग रहा है, मतलब कुछ ऑब्वियसली प्योर शिफॉन का सस्ता तो नहीं होता है, अब तो 2000-3000 से क्या ही कमाएगा. लेकिन हाँ इसमें कुछ मिक्स है, जॉर्जेट लग रहा है मुझे कुछ, है ना. बट इसका जो ड्रैपिंग मतलब जब ड्रैप किया ना, बहुत ही ईजिली ड्रैप हो गया. मतलब होता है ना जॉर्जेट की साड़ीज हो गई, शिफॉन की हो गई, इनको आप ड्रैप बहुत ईजिली कर पाते हो, ड्रैपिंग बहुत ही ईजिली हो जाती है, तो इसीलिए मुझे ये साड़ी बेस्ट लगी. और प्रिंट जो इसमें है ना वो ना मोर है, बर्ड्स बने हुए हैं ट्रीज टाइप में, मतलब प्रॉपर इस टाइप का प्रिंट है ये. बहुत ही प्यारी ये ब्लाउज है इसका, ये वाला शायद, हाँ ये ब्लाउज है इसका. और इसका ये पूरा प्रिंट का है, और शायद ये इसका पल्ला है, ये पल्ला है. ये भी प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है. आप मतलब ये शाइन बहुत अच्छी है इसमें, शाइन मतलब ये अगर देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि सिल्क है, बट सिल्क नहीं है ये, शिफॉन जॉर्जेट मिक्स, बहुत ही अच्छा स्टफ है. ब्लाउज आपके ऊपर है, जैसा मन चाहे वैसा बनवा सकते हो, बहुत ही सही चल रहे हैं आजकल के ब्लाउज. स्पेशली आजकल वी नेक बहुत ट्रेंड में है, तो सजेस्ट करूंगी कि वी नेक ट्राई करना, बनवाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिसेंट लुक आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आई थिंक कर ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, है ना, कर लिया है ना. गुड, सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, हेल्दी ब्लेस्ड, बाय.